महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों को लेकर सियासी हलचल के बीच संभल में केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिया बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराए जाने के मामले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पुराने पापों का घड़ा फूटा है, जहाँ जहाँ पाप का घड़ा होगा जरूर फूटेगा। संभल में लोकसभा प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता में दिया बयान। वहाँ की पार्टी विचार कर रही है, वहाँ के लोग विचार कर रहे हैं, इसमें पार्टी की अंदरूनी बात है। अब बम्बई में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये आप सब लोगों ने देखा। जो पुराने पाप के घड़े थे वो फूटे, तो जहाँ जहाँ पाप का घड़ा होगा वो फूटेगा, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम तो हमारे साथ, हम सबके साथ मिल के चलने वाले लोग हैं, हम सबको साथ ले के चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए उद्देश्य केवल विकास है, हम विकास को आगे बढ़ाएं और देश की जो एकात्मता है, इस राष्ट्र की जो एकात्मता है उसको बरकरार रखें, भाईचारा बंधुत्व की भावना को हम आगे बढ़ाएं, यही हमारे सरकार का उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। सर, एक फिल्म आ रही है काली, उसको लेकर विवाद चल रहा है। पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि वो बंगाल की नहीं है, वो पूरे देश की माता है। सही कहा है, मोदी जी ने कहा है तो उन्होंने कह दिया है, तो माँ तो सबकी माँ है, भारत माता सबकी माता है। उसी प्रकार से काली माँ, दुर्गा माँ, भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये हमारा परंपरा से हम कह सकते हैं कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए वो मातृशक्ति के रूप में है, और उसका अपमान, हम सबका अपमान है, इसलिए उस अपमान को हम नहीं सह सकते। सर, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा है कि जनता पर गुस्सा ना उतारें। जी, जनता पर गुस्सा ना उतारें, ये किसने कहा है? शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे। जनता पर गुस्सा नहीं उतारें, ये जब गठबंधन की सरकार बनी है ये बयान उसके बाद का है। नहीं, मैं नहीं समझा आपके विषय को। शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, जब ये गठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद में उनका बयान आता है कि कोई भी गुस्सा जनता पर ना उतारे। नहीं, ये भाई जनता पर उतारने का सवाल कहाँ होता है, जनता हमारे लिए मालिक है।